बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बड़ी फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने इतने कमेंट किए, इतने अच्छे से कमेंट किए, हमारा हौसला बढ़ाया। क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसे हो चुका है कि मैं बीच बीच में ना थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ, तो आप सब इतने अच्छे से कमेंट करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब हमारा हौसला बढ़ाते हैं, इतने अच्छे से कमेंट करते हैं। और आप सब पूछते हैं क्या कैसे घर चलता है, कैसे घर का गुजारा होता है। तो घर का गुजारा तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से होता है, लेकिन फिर भी अल्लाह मालिक है, लेकिन फिर भी हमने किया हुआ, गुजारा किया हुआ। बहुत मुश्किल है आजकल की जो महंगाई है, उस पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपको तो पता है बिनिश का, वो हर एक चीज़ के लिए बहुत तंग करती है, और उसको ट्यूशन का भी है, और इसको स्कूल भी डालना है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें प्लीज़, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़। क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा भी होता है कि जब भी मैं कैमरे के सामने आती हूँ ना, तो मैं ना थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ, बोल भी नहीं पाती, आवाज़ भी नहीं निकलती मेरी, तो इसलिए ना थोड़ी सी वो नर्वस हो जाती हूँ। तो अभी माशाल्लाह से बिनिश के बाबा भी ठीक हो रहे हैं। तो आप सब से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ भी करते भी हैं, लेकिन अभी दुआ करके जो थोड़ी बहुत इनकी तबीयत सही नहीं है, वो भी जल्दी से जल्द ठीक हो जाए, सेहत याब हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह आपको वो अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाते दिखेंगे। माशाल्लाह से अभी बेहतर हो रहे हैं, थोड़ा सा बाहर जाते हैं, चहलकदमी करते हैं, क्योंकि आप सबकी दुआओं की वजह से आज बिनिश के बाबा माशाल्लाह से ठीक हो गए। तो थोड़ी बहुत उनकी तबीयत जो रहती है, वो भी जल्द से जल्द सेहत याब हो जाए, क्योंकि हमारा तो आशा ही वही है, तो बस वही जल्द से जल्द सेहत याब हो जाए। क्या कर रही है बिनिश? आज मैं ना नहाई नहाई कर रही हूँ। नहाई नहीं करने जा रही हो? ठंडे पानी से। गर्मी है तो ठंडे पानी से ना होगी ना? हाँ जी। और पानी होता है ना, उसे ना गर्म लगता है। हाँ, गर्म पानी तो गर्म होता है, गर्मी होती है। हाँ जी। हाँ जी। और बिनिश ठंडा पानी होता है ना, उसे मजा आता है। हाँ जी। और बिनिश ड्रेस कौन सा पहनेगी? ये देखिए जी, बिनिश नहा के ये वाला ड्रेस पहन रही है। और ये पजामा पहनूंगी इसके साथ। ये है बिनिश वाइट टाइस, और ये फ्रॉक। ऐसे करो, वाह माशाल्लाह, ये तो अच्छा लग रहा है। जब बिनिश पहनेगी तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? फूल आ जाएगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चले जी, अब बिनिश को नहला दूँ। पहले तो इसको ऑयल लगाती थी, लेकिन अभी ना इतनी गर्मी है, गर्मी में ना इसको ऑयल नहीं लगाती बालों को। तो ऐसे भी जब मौसम चेंज हो जाएगा ना, फिर इसके बालों पे ना ऑयल लगाएंगे, इसको चम्पी चम्पी कराएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल बिनिश को नहलाते हैं। और माशाल्लाह से ये देखिए, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल बने हुए, आज इतनी गर्मी भी नहीं है, आज मौसम बहुत अच्छा है। और ये बिनिश का शैम्पू आ गया। आई हूँ बिनिश के लिए 20 रुपए के ये साशे दिए हैं। ये बिनिश का शैम्पू आ गया। 3 आते थे, अब 4 आते हैं, और 5 का एक हो गया। नहीं नहीं, 10 रुपए के 3 आते थे। नहीं, आप पहले आते थे ना, लेकिन अब तो 5 का एक हो गया। चले ये हुकूमत गरीब की जान लेके छोड़ेगी, है ना? ये अभी लगाना, ये थोड़ी देर में लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, ऐसे करके ये थोड़ी देर में लगाऊंगी, ये अभी लगाने की। ठीक है, चले अभी ना। हल्की सी ये देखो धूप निकल रही है, हल्की हल्की हो गई, बहुत तेज निकल गई।
वैसे बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, आज इतनी गर्मी नहीं है, तो ये तो अच्छा है ना, आज इतनी गर्मी नहीं है, मौसम अच्छा बना हुआ है। और ये देखिए जी, विनीश ने नहा भी लिया, अभी कंघी करनी बाकी है। और ये देखे विनीश का ड्रेस, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है ना विनीश, अच्छा लग रहा है। और ये कैचर लगाएगी विनीश कंघी करके ना, ये वाला लगाएगी। ये मैं लेके चले, मेरा है, मेरा है, मेरा है। नहीं नहीं विनीश का, मैं तो ऐसे कर बोल रही थी, हाँ हाँ आपका है, मैं तो बस ऐसे बोल रही थी। ठीक है चलो कंघी करे, हाँ चलो जी, अभी अच्छा विनीश को अभी कंघी करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं। अच्छा जी, तो विनीश ने तो नहा लिया, माशाल्लाह कैसी लग रही विनीश, प्यारी प्यारी। तो अभी हम जा रहे हैं विनीश के, जा रही हूँ विनीश को आइसक्रीम दिलाने, इसको आइसक्रीम दिलाती हूँ, तो वापसी आते हैं। और ये देखे सामने माशाल्लाह कितने खूबसूरत फ्लावर हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर हैं। गाड़ी माशाल्लाह से पूरी भरी हुई है पिंक। ये देखिए मिर्ची का पौधा, ये मिर्ची का पौधा है भाई, ये देखिए जी मिर्ची का पौधा माशाल्लाह। कितने का गमला है? 220 का। पुदीने का है 150। पुदीना का है। और ये देखिए जी माशाल्लाह इतने खूबसूरत फ्लावर, देखते ही माइंड फ्रेश हो जाए। और ये पुदीने का माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, ये छोटे गमले कितने के? ये 150 का है, ये 200 का। अच्छा, और ये मनी प्लांट का? मनी प्लांट 600 का। वी 600, मनी प्लांट अच्छी वाली, डबल शेड वाली, अलग वाली है माशाल्लाह। और मोती का पौधा भी है, ये देखिए ये पड़ा है मोती का फ्लावर, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा दिल करता सब ले लें, लेकिन रखने की जगह ही नहीं होती, क्या करें। विनीश अच्छे हैं। मुझे और विनीश दोनों को पसंद है पौधे। अच्छा जी, तो गई विनीश को आइसक्रीम दिलाने, लाइट चली गई थी तो नहीं, वो तो नहीं मिल सकी, कौन वाली लेनी थी, अभी ये दूसरी ली है स्टोर से, तो अभी ये खा रही है विनीश। खोल के दो दिखाओ विनीश, अच्छी है आइसक्रीम। चलो जल्दी से खाओ, गर्मी है पिघल जाएगी। चलो जिसको आइसक्रीम तो दिला दी, अभी जा रही हूँ बनाना लेने, हाँ चॉकलेट और वाइट था, तो अभी जा रही हूँ बनाने लेते, बना लेके भी चलते हैं घर। और ये सामने से ले, ठेले से लेने हमने केले, केले लेके फिर चलते हैं घर। अच्छा जी, अभी हम आ गए हैं घर पे, बहुत ही गर्मी है, ऐसे मौसम तो अच्छा है लेकिन है थोड़ी सी गर्मी, अभी धूप तो नहीं है लेकिन मौसम बहुत ही मज़ेदार है। अच्छा, तो मैं गई थी इनको लेने ट्यूशन से, विनीश मोमल और ये विनीश की फ्रेंड, ये भी विनीश के साथ अभी जाती है ट्यूशन, तो इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे आते हैं। तो ये देखिए विनीश को देखे कैसे भाग रही है, ये भी उसको देख के भाग रही है। रुको आराम से चलो। तो अभी घर पे लाइट भी नहीं है, अभी एक को छोड़ेंगे इधर, फिर दूसरे को घर लेके जाओ। एक का तो घर आ गया, उसकी अम्मी इंतज़ार कर रही थी। इसका घर ना ये वाला है, ये इधर जाएगी तो हम जाएंगे इधर। चले जी अल्लाह हाफिज़, हमने आपको घर पे छोड़ दिया, बाय बाय। तो अभी इनको लेके जा रही हूँ घर पे, तो अभी चलते हैं, तो लाइट नहीं, अभी लाइट भी आने वाली है, चल रहे हैं घर। अच्छा जी, तो अभी आई हूँ बर्तनों की शॉप पे, यहाँ से ना मुझे बाल्टी लेनी थी, तो बाल्टी देख रही हूँ जिसमें आटा रखना होता है आटे के लिए, तो अभी आई हूँ देख रही हूँ, भाई गए हैं वे लेने के लिए, जैसे आते हैं लेके तो फिर देखते हैं। और माशाल्लाह यहाँ पर हर चीज़ मिलती है मुनासिब कम रेट पर मिलती है, हम यहाँ से ही लेते हैं, जब भी आते हैं यहाँ से सामान लेते हैं। और ये देखें माशाल्लाह यहाँ पर सब चीज़ें मिलती हैं,
क्योंकि हमेशा इधर ही आते हैं ना, तो यहीं से लेते हैं सामान। तो अभी देखते हैं, अभी देखिए आप देखिए माशाल्लाह वाला। तो देखते हैं और ये देखिए पिंक और ये ब्लू मग कितने खूबसूरत है। और ये देखिए ये एक बड़ा मग। अच्छा जी, तो ये तीन चीज़ें ली हैं, ये बाल्टी ली है, झाड़ू लिया और ये लिए। भाई इनके बताएंगे सही से। अच्छा जी, तो वहाँ से हमने सामान ले लिया। अभी इधर मोमल देख रही है स्कार्फ पे जो पिन लगती है ना, वो ले रही है स्कार्फ पे जो पिन लगाते हैं ना, सॉरी, तो वो मोमल ले रही है। और इधर बिनिश को देखें जी, नहीं तो ये देखिए जी, यहाँ से टॉयस भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। अब ये देखिए इसका मूड चेक कर लें। जी तो बाकी सामान तो हमने ले लिया, गई हूँ सब्ज़ी की दुकान पे, यहाँ से ले रही हूँ मसाला। अभी सालन बनाएंगे तो यहाँ से सब्ज़ी लेके फिर चलते हैं घर। देखिए शाम का टाइम है, फिर भी माशाल्लाह सब्ज़ी फ्रेश फ्रेश पड़ी है। धनिया तो सही से दे दो ना भाई, धनिया सही से डालो। नहीं है सही, देखो आप देखो, मैं तो देख रहा हूँ सड़ा है। जल्दी मसाला हमारा हो गया, अभी हम चलते हैं घर। अच्छा जी, तो ये देखें ये झाड़ू, ये आटे के लिए मैंने बाल्टी ली है, ये वाली, ये देखिए ये आके झाड़ू और ये देखें, क्योंकि एक था हमारा कि 8 साल हो गए उसको, अब वो पूरी तरह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 8 साल भी बहुत है, हमारी शादी को 8 साल हो गए तो वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा उसका। तो अभी ये लिया, अभी लिया है 8 सालों के बाद, अभी ये लिया है। तो एक ये लिया कि प्लास्टिक का झाड़ू मैंने लिया है, क्योंकि तो दूसरा झाड़ू लेते वो जल्दी टूट जाता है, तो इसलिए ना मैंने सोचा ये भी ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि बोलते हैं ये अच्छा झाड़ू है, तो मैंने सोचा आज ये ट्राई कर लें प्लास्टिक का झाड़ू लेके, अगर ये अच्छा है तो फिर सही है, नहीं तो फिर वही हमें लेना पड़ेगा। वैसे तो भाई भी बोल रहा था ये बहुत अच्छा है, बहुत तारीफ सुनी है झाड़ू की, प्लास्टिक के झाड़ू की, तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी ले लेती हूँ। तो ये मैंने अपने घर के लिए थोड़ा सामान लिया है, ये तीन चीज़ें ली हैं। और इसको देखें ये ना पार्लर का काम सीख रही है। और ये देखें जी, ये बिनिश अपने ये ले टॉयस ले, मना तो बहुत किया है और ये रोने लगी उधर, तो फिर इसने ये ले लिए थे। और ये देखें बिनिश ना पार्लर का काम करेगी। ये पता ये क्या चीज़ है बिनिश, ये मुझे भी नहीं पता आज तक, मैंने भी इस्तेमाल नहीं की। लोग को मेरी बात सुनो जी, डालते हैं ना, हाँ यू करते हैं फिर गलम होते हैं। अच्छा माशाल्लाह, बिनिश को तो पता है, मुझे नहीं पता क्योंकि आज तक हमने इस्तेमाल भी नहीं की। हाँ ये ब्रश है, वाओ अच्छा है। हाँ ये और ये देखे ये बिनिश का, ये देखे बैग, देखे पर्स, क्या डालोगी इसमें? इसमें पैसे डालूंगी। जो पार्लर से फिनिश कमाएगी वो इसमें डालेगी, है ना? बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाटी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआ से खैरियत से हूँ। और आप सबके लिए ढेर सारी दुआएँ कि आप लोग जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कराते रहें और अपनी अपनी फैमिली के साथ शाद आबाद रहें। और इसके अलावा आप सबको अपनी सेहत के बारे में अपडेट करता चलूं, क्योंकि बहुत से हमारी वाईटी फैमिली के जो सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं कि आप अपनी सेहत के बारे में भी अपडेट करते रहा करें। तो अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी पहले से बेहतर है मेरी सेहत। और मैं यहाँ से हमारे मोहल्ले में एक जगह है जहाँ जिसको हम चांदनी चौक कहते हैं, तो वो भी तकरीबन यहाँ से बहुत ही करीब है, लेकिन मेरे लिए वो काफ़ी दूर है इस वक्त जो है सेहत के हिसाब से। लेकिन मैं जो है वहाँ तक यानी कि पहुँच जाता हूँ। अभी आजकल
सुबह जो है वहाँ जाता हूँ अकेला, और फिर वहाँ एक जगह बैठ के कुछ देर आराम करता हूँ और फिर वापस अपने घर की तरफ आता हूँ। तो पहले तो मेरे लिए ये समझ लें कि यहाँ से वाशरूम जाना मेरे लिए बहुत दूर था, बहुत ही मुश्किल काम था अपने कमरे से यहाँ से वाशरूम तक जाना। और फिर आस्ते आस्ते उसके बाद जो है ये जो कमरे से बाहर जो सहन है ये मेरे लिए बहुत दूर था, यहाँ चलना और तीन या चार चक्कर लगाता था, छोटे छोटे सहन होते कितना है, तो ये भी मेरे लिए एक मुश्किल काम था। लेकिन आस्ता आस्ता ये भी जो है अल्लाह का शुक्र है आसान हो गया। और इसके बाद फिर मैं बाहर कुछ दिनों के बाद जो है बाहर गली में हमारे यहाँ जो मेरी सास के घर है इसके बाद एक लंबी सी गली है तो वहाँ मैं जाता हूँ, सामने एक दुकान है वहाँ तक मैं चल के शुरू शुरू में गया, तो वो भी मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो फिर वहाँ तक जाने के तकरीबन सात या आठ चक्कर मैं ऐसे लगाता था अपने घर के दरवाज़े से और सामने गली के कोने तक, तो आस्ता आस्ता उसकी भी मुझे आदत पड़ गई और फ़ोन जो है वो रमा होता गया और बॉडी जो बिल्कुल जाम हो गई थी वो आस्ते आस्ते एक्टिव होती गई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उसके अलावा अब मैं यहाँ से जैसे कि मैंने अभी आपको बताया चांदनी चौक तक जाता हूँ और फिर आप वापस आता हूँ, तो काफ़ी वो भी सफ़र काफ़ी है, लेकिन आम बंदे के लिए तो वो बहुत ही छोटा सा सफ़र है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत लंबा सफ़र है। तो अल्लाह का शुक्र है वो भी मैं वहाँ जाता हूँ और कुछ देर बैठता हूँ इतना ज़्यादा देर में, और बगैर रास्ते में कहीं बैठे मैं अपने घर तक पहुँच जाता हूँ। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और आप सबकी दुआएँ हैं, आप सबका प्यार है और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जब भी हमने जो है वीलॉग बनाना छोड़ा है आप लोगों ने हर बार हमारी हौसला अफजाई की, हमारी हिम्मत बढ़ाई है, हमें आगे बढ़ने के लिए कहा है, और आप सब हमारा हौसला है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आप आपकी फैमिली को खुश रखे, आप सबकी। अगर आप लोग इस तरह हमारा हौसला नहीं बढ़ाते हैं और हमारा साथ नहीं देते, अच्छे अच्छे कमेंट नहीं करते हैं, तो बिल्कुल भी हम जो है नाउम्मीद हो जाते हैं। और आप लोगों के कमेंट्स आज भी बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारे कमेंट्स आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोग हमें हर तरीके से गाइड भी करते हैं कि आप लोग इस तरह से वीलॉग बनाएं, इस तरह से बनाएं, तो हमें भी आस्ते आस्ते एक्सपीरियंस होता जा रहा है। बस आप लोग दुआ कीजिए कि जो थोड़ी बहुत ये टांग में जो मसला रह गया है ये भी जल्द से जल्द जो है सही हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपने हिसाब से और भी अच्छे अच्छे वीलॉग तैयार करके दिखाऊँगा। क्योंकि मेरे जो वीलॉग के जो ज़्यादा ना व्यू आने की वजह भी यही है कि अब वो अकेली जन्नत तो सब कुछ नहीं कर सकती, घर भी संभालना होता है और फिर वीलॉग भी, और उसको भी वो भी कैमरे के सामने आके बोलने से हिचकिचाती है, थोड़ा सा घबराती है कि मैं बोल पाऊँगी नहीं बोल पाऊँगी। मैं भी शुरू में, कोई भी इंसान हो वो सारी बातें शुरू शुरू में तो उससे गलतियाँ होती हैं। मैंने उससे कहा कि तुम बोलो कैमरे के सामने, तुम बोलो, जितनी तुमसे जो है गलतियाँ होंगी इंसान अपनी गलतियों से ही सबक सीखता है। तो मैंने उससे कहा कि तुम कोशिश करती रहो, इंशाल्लाह एक दिन जो है ना कैमरे के सामने भी बोलना आ जाएगा। और अब जब मैं कुछ देर पहले मैं अभी ये मैंने आपको सलाम किया और उससे पहले मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, लेकिन जब इंसान बोलने शुरू करता है तो फिर आगे लफ्ज़ खुद बहुत ही बनते जाते हैं, और जितना आप बोलेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको बोलने का फ़न आता जाएगा। तो यही आपसे कहना था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों के प्यार का मोहब्बत का, और इंशाल्लाह आगे भी आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। तो कल एक नए वीलॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।